ब्राजील में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6 लाख के पार हो गई है। मौत के मामले में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि संक्रमण के मामले में अमेरिका भारत के बाद तीसरे नंबर पर है। हालांकि मौत के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि कोरोना से निपटने में सरकार की तरफ से कहीं न कहीं चूक हुई है। आइए यहां हम आपको बताते हैं कि उसके द्वारा की गई 5 गलतियां जिससे कि पूरी दुनिया को सबक दिया है। महामारी को गंभीरता से नहीं लिया, ब्राजील के राष्ट्रपति जैसे बोल्सोनारो ने कई मौकों पर कोरोना महामारी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने महामारी को लेकर कई अजीबोगरीब बयान दिए थे। बोल्सोनारो ने कोरोना वायरस को सामान्य फ्लू कहकर खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस महामारी से निपटने के लिए कारगर कदम उठा रही थी, इस वजह से देश में उनकी आलोचना भी हुई थी। राष्ट्रपति के इस गैर जिम्मेदारा बयान की वजह से देश को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। मास्क और सामाजिक दूरी का पालन नहीं, जेयर बोल्सोनारो ने महामारी का मजाक तो उड़ाया ही, साथ ही उन्होंने मास्क लगाने और सामाजिक दूरी जैसे उपायों का भी विरोध किया था। उन्होंने मास्क की उपयोगिता को भी कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि इस संबंध में बेहद कम साक्ष्य हैं कि मास्क कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में प्रभावी है। हालांकि ये बात अलग है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित सभी स्वास्थ्य एजेंसियों ने कोरोना से जंग में मास्क को कारगर हथियार बताया है। लॉकडाउन का विरोध, कोरोना की शुरुआत में बोल्सोनारो ने लॉकडाउन का विरोध किया था। जब पूरी दुनिया में लोग घरों में कैद थे, उस वक्त बोल्सोनारो ने तालाबंदी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था को खुला रहना चाहिए, घर पर रहना सिर्फ बेवकूफ लोग ही पसंद करेंगे। जब वहां वैज्ञानिक तालाबंदी को जरूरत बता रहे थे, उस समय केंद्र सरकार ने कभी इस पर कड़ा फैसला नहीं लिया। ब्राजील कई वेरिएंट से जूझ चुका है, लेकिन उसने संक्रमण की तीव्रता के हिसाब से रणनीति नहीं बनाई है। टीके पर लापरवाही, टीकाकरण अभियान को लेकर जागरूकता पर काम नहीं किया गया। एक तरफ पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसके उलट बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वैक्सीन नहीं लेने वाला हूं, ये मेरा हक है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले उन्होंने ट्वीट पर वैक्सीन प्रक्रिया का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वैक्सीन की जरूरत केवल उनके कुत्तों को है। आपातकाल में भी भ्रष्टाचार, एक हॉस्पिटल चेन ने जानबूझकर गैर सर्टिफाइड दवाएं बुजुर्ग मरीजों को दी, जिसके परिणाम घातक निकले थे। वहीं जांच में एक अन्य गवाह ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर भारत से एक गैर अनुमोदित कोविड वैक्सीन खरीदने के अनुबंध में अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर अधिक शुल्क लेने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति की गलत नीतियों पर भी संसदीय जाँच चल रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।